यहाँ मत फूका करो, बर्ड्स गिरे रहते हैं, शक मुझ पे होता है। और कौन फूकता है यहाँ? शशि बुआ यहाँ पे रात को टहलने आती है, मैंने एक दिन देख लिया तो कहती कि मिंट वाली सिगरेट एसिडिटी में हेल्प करती है। रियली? पागल हो? तो मतलब यू आर श्योर ना? हाँ, आई मीन तुमने सब कुछ सोच समझ के ही प्लान किया होगा। हेलो, ये मैंने प्लान नहीं किया है, ठीक है, ये हम दोनों का प्लान है, हम दोनों का आइडिया है, हम दोनों इक्वली रिस्पॉन्सिबल है फॉर हर्टिंग देम जब उन्हें पता चलेगा कि घर का लड़का और पड़ोसी की लड़की साथ में भाग गए। तो ये सब मुझे अब क्यों बोल रहा है? हाँ? देख, सी आई अंडरस्टैंड कि यू आर स्ट्रेस्ड एंड इस वक्त ये सब गलत लग रहा है, बट ऑनेस्टली अगर रियल में कुछ सही है ना तो बस ये दैट वी बोथ आर एडल्ट्स, वी बोथ लव ईच अदर एंड वी बोथ वांट टू बी टुगेदर। इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, रिलैक्स। इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, पहले बता देते यार, मैं तो यहाँ फिजूल में टेंस हो रहा हूँ, स्ट्रेस हो रहा हूँ। सी, डोंट बी स्ट्रेस। देखो, आई नो दे विल बी अपसेट, आई नो दे विल बी हर्ट ऑल्सो, बट दे विल अंडरस्टैंड आफ्टरवर्ड्स, दे विल रियलाइज कि वी डिडंट हैव एनी ऑप्शन बैक देन, सो वी वेंट अवे फॉर अ व्हाइल। रैन अवे? हाँ, रैन अवे एंड नॉट फॉर अ व्हाइल, ठीक है, परमानेंटली। आई मीन हम दोनों बीच रात चोरों की तरह झूल रही है, आई मीन लिटरली चोरों की तरह। ये मेरा है, मॉम ने मेरे लिए बनाया था, ओके, उनका कुछ नहीं है। वंडरफुल, ये ना तो पुलिस को सुनाइयो। एक सेकंड, तुम्हारी रियल प्रॉब्लम क्या है? क्या नहीं, रियल प्रॉब्लम क्या है इस वक्त? रात को 9 बजे क्यों तुम्हारा कॉन्शियंस जाग गया ऑल ऑफ अ सडन? अपने से 5 साल बड़ी पड़ोसी की बेटी के साथ अफेयर करते टाइम नहीं सोचा ये सब? तू पागल है क्या? तू कहां से कहां बात को ले जा रही है? वन सेकंड, अगर इस वक्त तुम सब क्या सही है क्या गलत है डिस्कस ही कर रहे हो, देन माइट एज़ वेल एडमिट इट कि ये भी गलत है। ये गलत? आर यू मैड? आई डोंट केयर अबाउट दिस बुलशिट। योर फैमिली डज नो, तो कहीं ना कहीं तुम्हें भी लगता ही होगा। ओके, सॉरी, ठीक है, सॉरी सॉरी, बस नर्वस हो रहा हूँ यार, मतलब आई नेवर वांटेड टू हर्ट अपनी फैमिलीज को ना, और गालियाँ तो मुझे मिलेंगे कि ओए कपिल पड़ोसी की लड़की भाग गया, मम्मी पापा किसी का इतना भी नहीं सोचा, बस भाग गया। यू नो ना, हम फैमिली माइंड को कंडीशन करती है, मतलब कुछ भी क्रूशल मोमेंट आ जाए या तो मम्मी की आवाज़ या पापा की डांट दोनों दिमाग में गूंजने लगती है। खुद का दिमाग पापा की आवाज़ में बोलता है कि शाबाश बेटा, इसलिए तो पैदा किया था ना तुझे। रिलैक्स फर्स्ट ऑफ ऑल, सी इट्स गोइंग टू बी ओके। यू नो व्हाट, नेक्स्ट टाइम अगर पापा की आवाज़ दिमाग में गूंजने लगे ना, सो देन जस्ट रिमेंबर व्हाट आई एम गोइंग टू से नाउ, आई रियली लव यू एंड इट्स गोइंग टू बी ओके। ओके, तो सुबह 4 बजे दो चार रह गई, close call. Oh god. Okay, so 4 बजे रीना। हाँ, ये ज्यादा हैवी नहीं है? आगे ना थोड़ा सा सामान है, देखो, टू बैंगल्स। ओह शिट यार, ये सब हैवी है। हर बर्थडे पे मम्मी मेरे लिए गिन्नी जोड़ती है और धनतेरस पे ज्वेलरी बना लेती है, कुछ हैवी नहीं है इतना। व्हाट इज दिस? क्या हुआ? दादी का है ये। दादी का है? तुमने बोला सब तुम्हारा है। ये मेरा, ये दादी का है यार। वापस कर दे। पापा रूट भी हार्ड ब्रोकन। इट्स मेमोरी, दादी ने। अच्छा ठीक है, अब अभी के लिए रख लेते हैं, वापस आएंगे तो वापस कर देंगे। दादी की मेमोरी। फिर मेल कर दे। मेल करे?
can't do this to Paru. I can't do this to God. It's fine, man. तू यहाँ पे गिरा दे, पारुल ऊपर आएगी, उसको मिल जाएगा, सॉल्व. सिगरेट. हाँ वो एसिडिटी है ना, तो अच्छा होता है. क्या शशि बुआ ने बोला? कूल यार. तुम दोनों इतना लेट क्या कर रहे हो यार? तू क्या कर रहा है? तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? नहीं वो बस ऑफिस के बारे में बात कर रहे थे. मैं तो कब से बोल रहा हूँ ना रीना को कि मेरी कंपनी ज्वाइन कर ले, तो तुम मुझे बता देना. मैं निकलता हूँ, लेट हो गया. कि व्हाट यू थॉट अबाउट जॉइनिंग माय कंपनी? आई थिंक तेरा ऑफिस घर से काफी दूर नहीं है. I'll see you. चल रहा है, बैठ.